सुपर एलेक्स दोस्तों, मैं पारसनाथ राव फ्रॉम रांची झारखंड से एलेक्स परिवार में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ट्रिप के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कंपनी निकाली है, शिमला ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, शिमला ट्रिप जो 25 तारीख तक करना है। अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े लीडर को एक गलती करते हुए, अक्सर बोलते हैं मैं इस बार कर दूंगा, इस बार ऐसा अचीवमेंट करना है, लेकिन अक्सर देखेंगे कि अंतिम तारीख आते आते लोग फेल कर जाते हैं। ऐसा क्या वजह है, ऐसा कौन सा कारण है दोस्त? एक ऐसा कारण जो मैंने अक्सर देखा है लोगों के साथ, क्या कोई भी टारगेट या किसी भी चीज की अचीवमेंट प्राप्त करना हो तो कभी भी अपने जूनियर के पास या किसी क्रॉस टीम के पास कभी शेयर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में चिल्लाने लगते हैं, जोश में आके बोलने लगते हैं कि इस बार मैं शूटिंग मार दूंगा, इस बार मैं शाइनिंग कर दूंगा, इस बार मैं राइजिंग पकड़ूंगा, और दोस्तों इस बार तो मैं किसी भी हाल में एकदम शिमला ट्रिप करूंगा। ये जाने अनजाने में दोस्त आप गलत ट्रैक पे चले जा रहे हैं। ये जो आप बात शेयर कर रहे थे यही आपकी गलती थी। जिस भी अचीवमेंट को प्राप्त करना है या किसी भी बड़े टारगेट को प्राप्त करना है तो कभी भी क्रॉस लाइन या अपने जूनियर के पास शेयर नहीं करना चाहिए। ये बातें अक्सर जो है अपने टॉप लीडर, अपने सीनियर के पास इन सारी चीजों को शेयर करना चाहिए, ताकि आपका टारगेट पूरा ना हो पा रहा है तो सीनियर आपको मदद करे। लेकिन आप गलत जगह पे टारगेट शेयर करने लगते हैं, जिसके वजह से अंतिम अवस्था आते आते आपका सारा टारगेट फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला दोस्तों, ये दुनिया एक स्वार्थ की दुनिया है। हमारे धरती में खासकर अभी ब्लड जो है ना एक वायरस की तरफ हो गई है, और हर लोगों के पास कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं हर जगह हर काम में स्वार्थ की भावना है। और इस स्वार्थ की भावना के चलते जो आप शेयर करते हैं यही आपकी गड़बड़ हो जाती है, और कई बार तो जूनियर बीवी रोक लेते हैं, कई बार तो आप फोन करते हैं फिर आपके फोन नहीं उठाते। कहीं ना कहीं ये आप अपने जूनियर को बताते हैं, अपने टीम को बताते हैं, अपने अचीवमेंट करने वाले, ये आपकी गलती है। फिर क्या करें दोस्तों, ये जो स्वार्थ की भावना होती है ना, ये लोगों में कूट कूट के भरा होता है, और हम इसी स्वार्थ का लाभ उठाना है। अपने बारे में सोचना, उसके बारे सोचना है, हम उसके बारे बोलेंगे कि तुम्हें शिमला ट्रिप जाना है, तुम्हें बूस्टर पकड़ना है, हम उसकी बात करेंगे। कभी भी बड़ा अचीवमेंट करना है, राइजिंग बनना है, शाइनिंग बनना है, शूटिंग बनना है, उसके बारे बोलना है कि तुम्हें राइजिंग बनना है, तुम्हें इस बार शिमला ट्रिप हम कराएंगे, उसके बारे बात करना है। और इसका दो ऑप्शन है, पहला बाको ध्यान, दूसरा मेहनत खुदा वर्दत। बाको ध्यान क्या है, अपने टीम की जो साइज है उसके ऊपर नजर। जैसे कि बगुला तालाब किनारे मछली की ताक में रहता है, तो पानी के अंदर से भी मछली क्रॉस हो जाए उसे भी पकड़ लेता है, क्यों? उस मछली की तलाश में उसका ध्यान रहता है। ऐसे ही आपकी पूरी टीम साइज का ध्यान होना चाहिए, एक एक नजर होना चाहिए अगर टारगेट अचीव करना है तो। क्यों? 25 तारीख तक करना है। अगर आप 25 तारीख तक नहीं कर पाए तो फिर ये ट्रिप निकल जाएगा हाथ से। तो इसके लिए आपको उसके बारे बोलना है, उसके बारे बोलना है कि तुम्हें हम बूस्टर करेंगे। अभी जैसे एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई बंदा है आपके टीम में, उसको बोलना है कि तू, जैसे रमेश बोला, रमेश तुम्हें हम बूस्टर कराएंगे, चलो कहां चलना है। मिनी बूस्टर में क्या है कि दो व्यक्ति, एक चार व्यक्ति हम लिए, एक दो तीन चार, चार व्यक्ति को लेकर के उनको दो दो हजार कराना है। अगर ये टीम से किया तो भी चलेगा, पर्सनल में किया तो भी चलेगा, चार आदमी होनी चाहिए, चार आदमी का दो दो हजार, दो दो हजार बीबी कितना हो गया, 8000 बीबी, और खुद का 2000 बीबी। और सिस्टम क्या है कंपनी का, कि जब आप 5000 को क्रॉस कर जाते हैं, 5000 तो यहां पे आप आ जाते हैं 18%, तो आपके देखिए यहां पे चार आदमी दो दो हजार किया तो आप आ जाते हैं 18% में, यहां पे 18% में।
अब 18% आ गए, ये लोग कितना में 8% 8% 8% 8% ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8%, आप भी 8%, और आप कितना में आ गए 18%, तो 18 में 8 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 10%। तो ये पूरे टीम में जितना बिजनेस हुआ 8000 का 10% 800 रुपया, और आप जो भी खरीदेंगे उसका 18% 8 18 36 360 रुपया, कितना हुआ 1160। अब कंपनी मिनी बूस्टर ने दिया है ये कैसा धमाल कि कंपनी के पूरे टर्नओवर का आपको 7% मिलेगा। मान लीजिए कंपनी के टर्नओवर 2 करोड़ रुपए, तो इसका जो है 7% कितना होगा 7 × 14 लाख। अब ये 14 लाख किनको किनको मिलेगा, जो व्यक्ति 4 आदमी से 2000 किए हैं, यानी ये छोटा बूस्टर पकड़े उन सारे में बांट देगी 14 लाख को, अगर 400 लोग पकड़े तो 400 में बांट देगी, कितना होगा 3500। आपका आपका अपना पैसा कितना था, मात्र 1160, लेकिन कंपनी के टर्न ओवर का जो पैसा मिला 3500। कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अक्सर लोग नीचे लेवल पर पैसा नहीं कमा पाते, तो यहाँ पे 3500 जब मिलेगा तो होगा 4660 रुपया, यानी वहां तो 8000 भी करके 4660 रुपया जब उसको मिलेगा तो दौड़ेगा। तो आपको क्या बोलना है कि तुम्हें बूस्टर पकड़ना है, तुम्हें जाना है शिमला का ट्रेन, और ऐसे ही आप 3 व्यक्ति को कराइएगा, 1 2 3 4 ऐसे, इसको भी बूस्टर पकड़ा दिए, इसको भी बूस्टर पकड़ा दिए, इसको भी बूस्टर पकड़ा दिए, 3 व्यक्ति को बूस्टर पकड़ा। आपको क्या करना, अपने बारे में सोचना है, अपना बूस्टर हम शिमला करेंगे ये बात कभी नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, तुम्हें शिमला करना है, तुम्हें जाना है, उसके लिए मैं साथ दूंगा, और 3 व्यक्ति को आपको पहले बूस्टर पकड़ाइए, 1 व्यक्ति को 2000 2000 2000 2000 और 2000, टोटल कितना हुआ 10000। या तो पूरा टीम से 10000 आ जाए या फिर ये बूस्टर पकड़ ले, ये भी उसी तरह से पूरा टीम से 10000 आया या फिर ये बूस्टर पकड़ ले, उसी तरह ये पूरा टीम से 2000 2000 2000 2000 ऐसे करके, और अपना 2000 भी टोटल ये बूस्टर पकड़ ले, छोटा मिनी बूस्टर, और ये चौथा, इसमें चौथा की जरूरत नहीं है, 3 लोगों से 10 10000 टीम से आए या ये बूस्टर करे, बूस्टर करे, बूस्टर करे, खासकर बूस्टर करवाइए, उसके बारे में बोलिए कि तुम्हें बूस्टर करना है, तुम्हें करवाना है, तुमको शिमला जाना है, उसके स्वार्थ के बारे सोचिए, ये है स्वार्थ। जब उसके बारे सोचेंगे तो वो तैयार होगा करने के लिए, बूस्टर के लिए भागेगा, और जब ऐसा वो बूस्टर करेगा तो आपका ऑटोमेटिक 3 आदमी से 10 10000 जब हो जाएगा तो आपका 30000 हुआ बीवी, और आप अपना 2000 बीवी जब करेंगे तो टोटल 32000 हो जाएगा, और 32000 होते ही आपका फ्यूचर स्टार लेवल हो जाएगा, फ्यूचर स्टार, और आप कंपनी के डबल बूस्टर पकड़ लेते हैं, और इसको 25 तारीख तक करते हैं तो आपका 3 दिन 2 रात का शिमला का ट्रिप हो जाएगा। आपको बूस्टर 30 तारीख तक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख तक करेंगे तो रॉयल्टी मिलेगा आपको, जैसे डबल बूस्टर पे आपको फिर रॉयल्टी मिलती है। कैसे मिलती है, कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ था, इस लेवल का 7% 7% प्लस जब आप ये डबल बूस्टर करते हैं तो 3% ऐड हो जाता है, टोटल हो जाता है 10%। अब क्या है, इस लेवल पे मान लो 2 करोड़ का बिजनेस हुआ, 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का आपका 3% और 3 × 6 लाख 6 लाख। अब यहाँ पे 200 लोग अचीव किए तो 200 में बांट देगी 6 लाख को, कितना हो जाएगा 3 3000। अब देखिए आपका 3000 यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद पहले का 3500, टोटल कितना हो गया 6500 रुपया, ये आपका बूस्टर रॉयल्टी, और डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका जो है, आप यहाँ पे आ गए 30% में, और ये सारे लोग 18% 18% 18% आपका माइनस कर दीजिए, आपका निकल गया 12%। अब 30000 जो इन सारे मिलकर के ये तीनों 30000 जो दिए, ये टोटल 30000, इसका 12% 12 किया 3600, यानी आपके पास और इनकम आ गया 3600 रुपया, और प्लस ये व्यक्ति अगर 2000 का कुछ भी खरीदता है तो इसका 2000 का
30% मिलेगा, तीन दूनी 600, यानी हो गया 4200 मेरे दोस्त। डिफरेंस इसका टीम का बिजनेस और खुद का 4200 रुपया, और बूस्टर कितना हुआ 7% के हिसाब से मिली बूस्टर का 3500, और उसके बाद अपना यहाँ का 3000 6500, यानी 6500 और 4200 यहाँ पे लिख देते हैं 6500 और 4200 10700, यानी आप डबल बूस्टर किए। तो आपको ये बूस्टर पकड़ना है कभी भी आज के बाद किसी भी कोई लेवल को लेना है मेरे दोस्त, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना, उसके बारे सोचना है, उसकी बात करना, उसकी स्वार्थ के बारे सोचना है, वो टारगेट पूरा करें तो आपका हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मेहनत खुदा वर्धक। जब आप पूरी तरह से उसके लिए सोचते हैं, जब पूरे मन से पूरे दिल से जब उसकी बात करते हैं, तो शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना है कि किसी भी चीज को जब पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कहनात उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए लग जाती है। और जब आप उसके बारे दिल से सोचते हैं, जब अपने टीम के बारे दिल से वर्क करते हैं, तो पूरी कहनात और आपकी पूरी टीम लग के आप सिमिलर गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये 25 तारीख करना है, 25 तारीख के पहले एक दिन कर लीजिए, लेकिन एक दिन बाद नहीं। और 26 तारीख को बहुत बड़ा मेगा सेमिनार हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। इसलिए मेहनत खुदा वर्धक, मेहनत करने वालों का खुदा भी साथ देता है। सुपर एलेक्स।